सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इतने छोटे हेयर पर कैसे जो है जूड़ा बना सकते हो और जो है एक प्यारा सा हेयर स्टाइल बना सकते हो। बहुत सिंपल एंड इजी बताऊंगी मैं। ये मेरी स्टूडेंट है, इनका कुछ दिन पहले ही हमने हेयर कट किया था और जो है आज जो है इनके बालों पर हम एक जूड़ा बनाएंगे जो कि आप साड़ी के साथ कैरी कर सकते हो या फिर लहंगा वगैरह के साथ बना सकते हो पार्टी मेकअप में। ठीक है, तो साइड बन बताऊंगी मैं और बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है। अगर जो है आप लोग इसको मतलब अपने किसी क्लाइंट पर देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको बालों में क्रिम्पिंग कर लेनी है। अगर किसी के लाइट हेयर भी है तो भी ये जूड़ा आराम से बन जाएगा। और क्रिम्पिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि जो हमारा क्राउन सेक्शन है, जहाँ से हम एक पफ क्रिएट करते हैं, वहाँ से हमें एक सेक्शन ले लेना है। अब मोस्टली हम लोग जूड़ा बनाते टाइम पे यहाँ पर पफ बनाते हैं, बट हमको पफ नहीं बनाना है। हम इस तरीके से यहाँ से जो है खजूरी जो चोटी होती है उसको गूंथते जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से एक बहुत ही प्यारा लुक क्रिएट होगा। और ये वाला जूड़ा गाइस बहुत ज़्यादा चल भी रहा है आजकल, तो अगर आप इस तरीके से इसको बनाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए, इस तरीके से हम खजूरी गूंथेंगे। और पार्लर से रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन को जो है ऑल में प्रेस रखा कीजिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने ये खजूरी गूंथ रही है और इस खजूरी को हम ना मतलब पूरा नहीं गूंथेंगे, हम थोड़ा इसको गूंथेंगे, मतलब 5 से 6 स्टेप्स में गूंथेंगे और उसके बाद जो है हम नॉर्मल चुटिया बना देंगे। तो नॉर्मल चुटिया हम क्यों बनाएंगे, ताकि ये खजूरी हमारी खुले नहीं। तो आप देख सकते हो कितना मैंने यहाँ पर ये खजूरी गूंथी है सॉरी, कितना यहाँ पे खजूरी गूथी है। और इसके बाद हम थोड़ा सा जो है नॉर्मल ब्रेड की तरह इसको करेंगे और अब हम इसको हल्का सा लूज़ लूज़ करेंगे ताकि थोड़ा सा जो है मैसी लुक नज़र आए। और इस तरीके से देख सकते हो आप, जब हम इसको पुल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पुलिंग टेक्निक। ठीक है, तो जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो कितना अच्छा जो है यहाँ पे एक लुक क्रिएट हो गया। और इसके बाद हम इसको ब्लैक रबड़ से इस तरीके से बांध देंगे, तो जो हमारा वो क्राउन वाला सेक्शन था ना, जहाँ पर हमें पफ क्रिएट करना था, वहाँ पर हमने ये स्टाइल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे, फ्रंट का जो वेरिएशन है उसको साइड करेंगे, सेपरेट करेंगे उसको, ताकि फ्रंट का जो हेयर स्टाइल हम डिसाइड कर सकें। और फ्रंट का हेयर स्टाइल हम जब भी करेंगे तो हमेशा उसको एंड में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें बन क्रिएट करना है। अब हमें साइड बन बनाना है और साइड बन बनाने के लिए हम देखिए इस तरीके से साइड में पॉनीटेल कर देंगे और इसको रबड़ से जो है इस तरीके से बहुत अच्छे से टाई कर देंगे। तो देख सकते हो बाल इनके काफ़ी छोटे हैं, हेयर कट कराने के बाद छोटे हो गए हैं काफ़ी। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे बालों में ना बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को जो है हेयर स्टाइल बनाने में। और मोस्टली ऐसे ही बालों वाले लोग जब मतलब वो नॉर्मल लाइफ में ओपन रखते हैं हेयर और वेडिंग वगैरह में उनको जूड़ा बनाना होता है, तो इसलिए वो लोग पार्लर में आते हैं, क्योंकि खुद तो उनसे बनता है नहीं, बाल इतने कटे हुए रहते हैं। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट का जो सेक्शन है वो डिसाइड करेंगे, और फ्रंट का जो सेक्शन होता है वो आपको अपने क्लाइंट के फेस के हिसाब से बनाना होता है, मतलब कि उनके फेस पर कैसा सूट हो रहा है। ठीक है, या फिर उसकी चॉइस के हिसाब से। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उन्हें जो है एक ही डायरेक्शन में बाल रखने पसंद होते हैं, तो आप फ्रंट से जो है उसकी पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। और स्प्रे करके इसको अच्छे से जो है सारे जो फ्रीजी हेयर है उनको अच्छे से सेट करके यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइंस क्रिएट करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो है लुक एडवांस लुक लगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन क्रिएट करेंगे और इस पूरे सेक्शन को हम पीछे बॉब पिन की हेल्प से पीछे जो है टक कर देंगे। तो हेयर स्टाइल में बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी इस टॉपिक पर। तो कंटिन्यूज़ वीडियो आएंगी, अब पहले जो है बहुत कम मेरी वीडियो आती थी, अब जो है कंटिन्यू 2 या 3 वीडियोज़ आएंगी। तो देख सकते हो इस तरीके से हम इनको टाई करेंगे। और ये जो पुलिंग टेक्निक है ना, इससे आप मतलब किसी भी हेयर स्टाइल में एडवांस लुक दे सकते हो इस तरीके से जो है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हेयर स्प्रे आपके अच्छे होने चाहिए, होल्डिंग स्प्रे उनकी टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कि इसकी जो है कितनी टाइम तक होल्डिंग पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, बैक साइड से एक साइड से हो गया हमारा। अब हम इस साइड से क्या करेंगे कि इस साइड से हम ना मतलब बैक कॉम्बिंग का भी यूज़ करेंगे, तो हेयर स्टाइल थोड़ा सा फ्लफी लगता है, अच्छा लगता है। और इस तरीके से देखिए, हमने 2 सेक्शन में बैक कॉम्बिंग करी। अब इस पूरे के पूरे सेक्शन को लिया एक साथ और स्प्रे किया, और इस तरीके जो उड़ रहे थे बाल, फ्रिजी हेयर जो थे, उनको इस तरीके से यहाँ पे
टक कर देंगे, और सेम वही हमारी पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे और इसको भी टाई कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से टक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब देख सकते हो हमारा फ्रंट का सेक्शन रेडी है और क्राउन एरिया का सेक्शन रेडी है। अब हमारे पास ये बाल बचते हैं, अब हम इन बालों में क्या करें, ठीक है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो उसमें भी आप ये वाला हेयर स्टाइल बना सकते हो, और लंबे बालों में आपको यहाँ तक तो सेम बनाना है, बस यहाँ पर जो बचे हुए बाल हैं ना इनको कर्ल्स करके और टक कर देने हैं जूड़े में। और डोनट जो है गाइज हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स होना चाहिए। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, बेसिक होते हैं, जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है, और अगर हम ये काम अच्छे से करते तो हमारा जूड़ा बहुत अच्छे से फिक्स रहता है, ठीक है। क्योंकि पार्टी वगैरह में लोगों को डांस वगैरह करना पड़ता है, करते हैं लोग, तो कई लोगों के जूड़े खुल जाते हैं, बहुत से देखा है मैंने। अब हम इन सारे बालों को गूँथेंगे और इनको हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा लूज़ लूज़ करके इस पूरे के पूरे बन में इस तरीके से टक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर लंबे बाल होते तो ओरिजिनल हेयर से ही यहाँ पे जो है अच्छे से कवर हो जाता है, बट आजकल मार्केट में ना बहुत सारी आर्टिफिशियल एसेसरीज आ गई हैं जो कि जो है बालों में लगाने की होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि सेम हमारे पास जो है एक आर्टिफिशियल हेयर एसेसरीज हम लेंगे, और इस तरीके से इसको एक रबड़ वाले फॉर्म में होता है ये, तो देख सकते हो आपको जितना मतलब बड़ा रखना है उतना आप इसको रख सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा इसको कट कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने लगा दिया और मतलब पता भी नहीं चल रहा है कि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो ये चीज़ आप ना अपने रियल बालों से ही कर सकते हो। तो देख सकते हो बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये जूड़ा, और इसको हम एक टियारा से इस तरीके से इसमें सेट कर देंगे। तो टियारा लगाने से जो है काफ़ी इसमें इसका जो लुक है और भी सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हेयर स्टाइल बना सकते हो, पार्टी वेडिंग किसी भी चीज़ में। अब देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये चीज़ जो है हमें थोड़ा सा और पुल करनी चाहिए, तो वो मैंने कर दी, और देखिए अब ये बहुत ही सुंदर लुक लग रहा है, बहुत ही सुंदर जूड़ा लग रहा है। देख सकते हो आप साइड का लुक इसका कितना प्यारा लग रहा है, साइड लुक। तो इसी तरह के वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पर आती रहती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, और इसी तरह के हेयर स्टाइल आपको आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।